गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा। आज हम अपनी सीरीज नो योर स्टेट्स की दूसरी स्टेट केरला के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मेशन डे 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। केरला अपनी बाउंड्री साउथ और ईस्ट में तमिलनाडु के साथ, नॉर्थ में कर्नाटका के साथ और वेस्ट में अरेबियन सी के साथ बनाता है। इस कोस्ट लाइन को हम मालाबार कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तिरुवनंतपुरम जो कि कैपिटल है केरला की, इसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ के सीएम पिनारी विजयन है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से इनका संबंध है, जो कि हाल ही में संपन्न चुनाव में विजय साबित हुए हैं। गवर्नर यहाँ के अरिफ मोहम्मद खान है, जो कि यहाँ के 22वें गवर्नर है। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल है, 144 सीट्स हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ 14 है। लोकसभा की यहाँ 9 सीटें हैं, राज्यसभा की 20। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट है, यहाँ के चीफ जस्टिस एस मणि कुमार हैं। एरिया वाइज यहाँ का पूरे इंडिया में 21st रैंक है। पॉपुलेशन रैंक 13th है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। लिटरेसी रेट 96.2% है, जो कि इंडिया में किसी भी स्टेट के द्वारा बेस्ट है। सेक्स रेशो यहाँ का किसी भी स्टेट के द्वारा इंडिया में बेस्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ का 0.784 है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडियन स्टेट्स के द्वारा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यहाँ पर 77 ईयर है, जो कि बेस्ट है किसी भी स्टेट्स के द्वारा। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पर कोकोनट, टी, कॉफी, कैश्यू और स्पाइसेस की फसलों उगाई जाती है। फेस्टिवल यहाँ पे ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। विशु ये न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है केरला में। कोचीन कार्निवल फेस्टिवल दिसंबर के लास्ट सप्ताह में कोची के फोर्ट पर मनाया जाता है। थ्रिशूर पूनम मोनूमेंट यहाँ पर कैलाशनाथ टेम्पल और रॉक कट टेम्पल मिलते हैं। रॉक कट टेम्पल का मतलब है पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, जिनको जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। फोक एंड क्लासिकल डांस यहाँ पर कथकली, मोहिनी अट्टम, थुलल, कृष्ण अट्टम और कोलकली और मुदियत्तु नाम के फोक डांस और क्लासिकल डांस हैं। नेक्स्ट है अथिर पिली फॉल्स, ये क्या है, इसको नायग्रा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जो कि चलकुडी रिवर पर है। एयरपोर्ट यहाँ पर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर ये एकमात्र स्टेट है जहां पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। रिवर परिहार रिवर, पंपा रिवर और भरतपुजा रिवर, ये तीनों रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और काबिनी रिवर, भवानी रिवर और पंबर रिवर, ये तीनों रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और कर्नाटका में जाकर अपना सारा पानी कावेरी रिवर में डाल देती हैं। डैम यहां पर जितने भी डैम हैं, सारे के सारे डैम रिवर के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। जैसे कि इडुक्की डैम इडुक्की रिवर पे है, मुल्ला परिहार डैम रिवर पे है, चिमोनी डैम चिमोनी रिवर पे, मुजिहार डैम मुजिहार रिवर पे, नियार डैम नियार रिवर पे, परम्बिकुलम डैम परम्बिकुलम रिवर पे। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इरवकुलम नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी तहर के लिए फेमस है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि लॉन्ग टेल्ड मैकाउ और एलिफेंट के लिए फेमस है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, परिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। पावर प्लांट यहाँ पर कोझिकोडू पावर प्लांट है, जो कि एक डीजल पावर प्लांट है। यहाँ पर कोयनकुलम पावर प्लांट है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ब्रह्मपुरम एक पावर प्लांट है, जो कि एक डीजल पावर प्लांट है। माउंटेन्स यहाँ पर अनाईमुड़ी पीक है, जो कि वेस्टर्न घाट की और साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। वेस्टर्न घाट क्या है, महाराष्ट्र से लेकर केरला तक वेस्ट कोस्ट लाइन पे जो पार्ट है उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, जिसको सह्याद्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट सबरीमला पीक, नेक्स्ट
अगस्त्यमाला पीक। इसके बाद लेक्स, कयमकुलम कयल लेक जो कि एक ब्लैक वाटर लेक है, अस्तमुडी लेक, वेम्बेंडू लेक, वेम्बेंडू लेक लार्जेस्ट लेक है केरला का। बोट रेस, यहां पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है जिसको हम स्नेक रेस भी बोल सकते हैं, ये पुन्नमड़ा लेक पर स्थापित होती है। अणमुला बोट रेस ये पंपा रिवर पर होती है। पयप्पड़ बोट रेस जो कि एक कयमकुलम लेक पर होती है। नेक्स्ट स्टेडियम, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दोनों के दोनों क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम है। पलगट गैप क्या होता है, जो पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया जाता है उसको हम गैप बोलते हैं, इसको पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। और ये किन दो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, नॉर्थ में नीलगिरी और साउथ में अनाइमली हिल्स है। अब केरला की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को निकनेम दिया गया है, जैसे कोची को गेटवे टू केरला और हब ऑफ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। थ्रिसूर नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला एंड गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। कोझिकोड को सिटी ऑफ स्पाइसेस ही बोला जाता है। कोलम को नोन एज गेटवे टू बैक वाटर। अलापूजा को नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। पलक्कड़ को राइस बाउल ऑफ केरला बोला जाता है। मलप्पुरम को सोसर कैपिटल बोला जाता है। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटी है यहां से, जैसे अरुंधति रॉय है, ये एक राइटर है जिनको बुकर्स प्राइज मिला था इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि एक एथलीट है, ये पहली भारतीय है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन में मेडल जीता हो, 2003 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीटी उषा ये एक एथलीट है जिनको गोल्डन गर्ल्स और पेओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये पद्मश्री जीत चुकी हैं 1985 में। वर्गीज कुरीन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑपरेशन फ्लड या फिर दुग्ध क्रांति जिसे हम जानते हैं उसके जनक हैं। शशि थरूर इनका बिलोंग इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। एके एंटनी ये केरला के सीएम और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू आर गेटिंग सम नॉलेज फ्रॉम इट। थैंक्स यू। इनसाइड लर्निंग।